अंग्रेज थे उनको हटाकर आज हम जरा भी अहंकार करे बगैर अपने पुरुषार्थ के आधार पर हमने दुनिया में अपना लोहा मनाया। आज डिफेंस के क्षेत्र में भारत के एरोसो में 100 से ज्यादा अधिक देश आते हैं। डिफेंस का जो इंपोर्ट होता था इसमें 70% की कटौती हो चुकी है। और जो लोग कहते थे धारा 370 हटाओगे तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी, यही कांग्रेस एनसी वाले कहते थे। आज इनको जवाब मिल गया है, खून की नदियां छोड़िए, किसी की पत्थर चलाने की हिम्मत नहीं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर विकास के आधार पर मोदी जी ने इंसर्जेंसी को समाप्त कर दिया। वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र के अंदर लगभग देश को मुक्ति दिलाने के कगार पर पहुंचे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ये चार राज्य पूर्णतया मुक्त हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ बाकी है, थोड़ा आंध्र तेलंगाना के एक एक तालुका बाकी है और उड़ीसा में भी एक तालुका बाकी है। मुझे भरोसा है कि 2 साल में ये भी समाप्त हो जाए। इतने बहुत बड़ी उपलब्धि जिस लक्ष्य को लेकर हम 50 साल पहले निकले थे, वो लक्ष्य की परिपूर्ति ये 9 साल के अंदर हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने की। जब हम सब छोटे थे, राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, हमारे अंग्रेजी के प्रोफेसर थी इलाबेन शाह, तो जब शिला पूजन का कार्यक्रम था तो इलाबेन को मैंने निमंत्रित किया। मैं पूजन तो मैं कर देती हूं मगर मेरा भूत भी राम मंदिर नहीं देख पाएगा। जब भूमि पूजन हुआ तो 85 साल की इलाबेन का फोन आया, अमित भाई साथ चर्चे राम मंदिर बनने की शुरुआत हुई।